आज की दोस्तों ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इंडिया की फाइनेंशियल सिटी मुंबई को अमेरिका की फाइनेंशियल सिटी बहुत ही ज्यादा मशहूर सिटी न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर करने वाले हैं। मुंबई हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहां हर छोटे इंसान से लेकर हर बड़ी हस्ती मौजूद है। बड़ी हस्तियों में नाम चाहे शाहरुख खान का हो या फिर मुकेश अंबानी का, और इसके अलावा कई बड़े क्रिकेटर्स का नाम ही हम क्यों ना ले लें। मुंबई दोस्तों इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1995 के साल से पहले मुंबई को बॉम्बे नाम से जाना जाता था और आज के दिन भी कई लोग इसे बॉम्बे ही बुलाते हैं। वही न्यूयॉर्क तो दोस्तों आज के दिन पूरी दुनिया की मोस्ट फेमस सिटीज में आती है और मॉडर्न कल्चर, लाइफस्टाइल और फैशन में इस देश का हर समय प्रभाव देखने को मिलता है। और दुनिया के बहुत सारे देशों के कल्चर को दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी ने पूरी तरह से इफेक्ट भी किया है। हालांकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि न्यूयॉर्क स्टेट भी है एक अमेरिका में, और उसी न्यूयॉर्क स्टेट में एक सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। 1664 से पहले दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी को न्यू एम्स्टर्डम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसके बाद इसका नाम न्यूयॉर्क सिटी रखा गया। और न्यूयॉर्क में दोस्तों आज के दिन हमारे काफी सारे इंडियंस भी बसे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मुंबई ज्यादा कमाल है या फिर न्यूयॉर्क? लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एरिया की। मुंबई के मेट्रो सिटी के एरिया की दोस्तों बात करें तो मुंबई की मेट्रो सिटी 4355 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, तो वहीं मुंबई की मेगा सिटी फैली है 603 स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका में मौजूद न्यूयॉर्क सिटी 784 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो चलिए दोस्तों अब जरा बात हो जाए जीडीपी के बारे में। मुंबई की कुल जीडीपी दोस्तों आज के दिन 210 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की है, और इंडिया की कुल जीडीपी का 7.5% हिस्सा भी मुंबई से आता है। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी की कुल जीडीपी है आज के दिन 1210 बिलियन यूएस डॉलर, और आज के दिन इनकी जीडीपी, न्यूयॉर्क सिटी की जीडीपी पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पॉपुलेशन यानी आबादी के बारे में। मुंबई की कुल आबादी आज के दिन 3 करोड़ और 4 लाख के आसपास है, और इसे पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहरों में एक माना जाता है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन आज के दिन है 2 करोड़ और 7 लाख के आसपास। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, यानी रहन सहन का खर्चा कितना होगा मुंबई या फिर न्यूयॉर्क सिटी में। सिटी के सेंटर में दोस्तों अगर आपको एक मंथ के लिए रूम रेंट पर लेना है तो मुंबई में आपको इसके लिए देने पड़ सकते हैं 30 से 50 हजार रुपए, तो वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में एक रूम आपको पड़ सकता है 1,60,000 से लेकर 2,40,000 तक। हालांकि कुछ लोगों की तो होश ही उड़ गए होंगे ये कीमत सुनकर, लेकिन दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी बेहद ही ज्यादा एक्सपेंसिव है पूरी दुनिया में। मुंबई में दोस्तों आपको 1 किलोमीटर टैक्सी के सफर के लिए ही चुकाने पड़ेंगे 20 रुपए, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के बारे में क्या ही कहने, अगर आपको यहाँ 1 किलोमीटर टैक्सी पर सफर तय करना है तो चुकाने पड़ेंगे 195 इंडियन रुपए। वहीं एक नॉर्मल सी मूवी टिकट के लिए मुंबई में आपको देने पड़ सकते हैं 300 रुपए, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में देने पड़ेंगे 1300 रुपए, जिससे साफ हमें ये देखने को मिल ही रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी सही में कितनी ज्यादा महंगी है मुंबई के मुकाबले। दोस्तों खर्चे के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं कमाई के बारे में, यानी सैलरी कितने मिलेगी आपको दोनों ही शहरों में। मुंबई में काम करने वाले लोगों की दोस्तों एवरेज मंथली सैलरी है 40,000 रुपए, तो वहीं न्यूयॉर्क सिटी में काम करने वाले लोगों की एवरेज मंथली सैलरी है 3,20,000, जिससे हमें पता चलता है कि खर्चे तो भले ही न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादा है लेकिन फिर भी कमाई बहुत ही ज्यादा होती है मुंबई के मुकाबले। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी पूरी दुनिया की 8वीं सबसे महंगी सिटी है, तो वहीं मुंबई पूरी दुनिया का 55वां सबसे ज्यादा महंगा शहर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रिलीजन की। मुंबई में दोस्तों आज के दिन आपको 66% हिंदू लोग, 20% इस्लामिक, 4% बुद्धिस्ट और 4% जैन के साथ साथ 4.5% क्रिश्चियन लोग देखने को मिलेंगे।
तो वहीं अगर हम अब दोस्तों रिलीजन के नाम पर न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 48% क्रिश्चियन, 29% ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कोई भी धर्म नहीं मानते और 12% मुस्लिम। बातचीत करने के लिए दोस्तों लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ती है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो मुंबई में आम तौर पर लोग हिंदी, गुजराती, कनाडा, इंग्लिश, तेलुगु और कोंकणी में बात करते हैं, तो वहीं मराठी तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक रिपोर्ट में दोस्तों ये बात सामने आई थी कि न्यूयॉर्क सिटी में तो 815 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे लोग स्पेनिश, चाइनीज, रशियन, इटालियन, फ्रेंच, कोरियन, पोलिश और हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस बोलते हुए लोग नजर आएंगे। अब जरा बात करते हैं पैसे वाले लोगों की, यानी बिलियनियर्स की। मुंबई में दोस्तों आज के दिन 49 बिलियनियर्स मौजूद हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क सिटी में आज के दिन मौजूद हैं 103 अरबपति लोग, यानी यहां तो न्यूयॉर्क सिटी डबल से भी ज्यादा आगे है। चलिए दोस्तों अब एक नजर मारते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर, यानी दोनों ही सिटीज में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कोई भी काम नहीं करते और उन्हें करने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा और वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं। मुंबई सिटी में दोस्तों 8% लोग पूरी तरह से अनएम्प्लॉय हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क सिटी में ये आंकड़ा है 6%। हालांकि थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा बेटर है यहाँ पर न्यूयॉर्क मुंबई से। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं HDI स्कोर को, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इससे हमें साफ साफ ये नज़र आ ही जाता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा और वो अपनी ज़िंदगी से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मुंबई सिटी का HDI स्कोर है 0.777, तो वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी का HDI स्कोर है 0.946, जिससे हमें साफ नजर आता है कि इस मामले में न्यूयॉर्क सिटी बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा बेटर है मुंबई के मुकाबले। असल में दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेन चीजों को देखा जाता है, और ये 3 मेन चीजें हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और पर कैपिटा इनकम। अब थोड़ा दोस्तों नजर मार ही लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर लोकल ट्रेन्स हर जगह पर पूरी तरह से वेल कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर मेट्रो लाइन के साथ साथ मोनो रेल भी चलती है। हालांकि 10 से भी ज्यादा मेट्रोस का काम अभी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई शहर में दोस्तों हर रोज तकरीबन 85 लाख लोग ट्रेन में सफर करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी सबवे में कुल मिलाकर 36 लाइंस और 472 मेट्रो स्टेशन हैं, और न्यूयॉर्क सिटी सबवे सिस्टम पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कमाल और बढ़िया मेट्रो सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सीस और बसेस भी चलती हैं। चलिए दोस्तों अब आखिर में जरा हम फर्टिलिटी रेट के ऊपर भी एक नज़र मार ही लेते हैं, जिससे हमें ये बात साफ साफ नज़र आएगी कि दोनों ही जगह पर रहने वाली एक एवरेज वूमेन नॉर्मल तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है। मुंबई की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एक वूमेन एवरेज तौर पर 2.13 बच्चों को जन्म देती है, जिससे साफ साफ ये नज़र आता है कि यहाँ पर हर वूमेन एवरेज तौर पर 2 से थोड़ा ज़्यादा बच्चों को पैदा करती है। तो वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी में फर्टिलिटी रेट है 2.07, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मामला सेम सा है और एक वूमेन एवरेज तौर पर 2 बच्चों को ही जन्म देती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार जरा हम पॉवर्टी रेट को भी चेक कर ही लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर दोनों ही शहरों में गरीबी रेखा किस हद तक बढ़ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात मुंबई सिटी की करें तो दोस्तों हमारे यार मुंबई शहर में ना पॉवर्टी की समस्या लगातार पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा देखने को आई है। 2019 की दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में पॉवर्टी रेट है 20.53%, यानी लगभग हर 100 लोगों के पीछे 20 लोग आपको मुंबई में काफी ज्यादा गरीब देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग दूसरी स्टेट से ना इस शहर में पहुंच जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ न्यूयॉर्क, इसकी भी हालत ना बहुत ज्यादा अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉवर्टी रेट है 19.33%, यानी हर 100 लोगों के पीछे 19 लोग यहाँ पर भी काफी ज्यादा आपको गरीब देखने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क में दोस्तों जो लोग अमीर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, और जो लोग गरीब हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, यानी इनकम का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ के लोगों में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई सिटी ज़्यादा कमाल है या फिर न्यूयॉर्क सिटी? हालांकि आज के दिन मुंबई न्यूयॉर्क सिटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कामों में
थोड़ा पीछे तो रह ही चुकी है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर बताना। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल रॉक फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए।